কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গেল দার্জিলিংয়ের এক তরুণ সেনা জওয়ানের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শৈলশহর দার্জিলিংয়ে। জম্মু কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ হন দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বরাগিংয়ের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। পরিবার সূত্রে খবর, দার্জিলিংয়ে লেবংয়ে শেষকৃত্য হবে। পরিবার সূত্রে খবর, ব্রিজেশ থাপার বাবা ভুবনেশ থাপা ছাড়াও রয়েছেন মা নীলিমা থাপা ও দিদি নিকিতা থাপা। ভুবনেশ থাপাও সেনাতে কর্মরত ছিলেন। ভুবনেশের দিদি নিকিতা থাপা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করছেন, সেখান থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, ব্রিজেশের জন্ম লেবংয়ে, প্রাথমিক পড়াশোনা দার্জিলিংয়ে করেছেন। বাবা সেনায় ছিলেন, সেই কারণে পড়াশোনা রাজ্যের বাইরেই করেছিলেন। মুম্বাইতে নিজের উচ্চশিক্ষা শেষ করেন। সেখানকার কলেজ থেকে বিটেক শেষ করে কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস পরীক্ষায় বসেন। 2018 সালে তিনি ওই ডিফেন্স সার্ভিসের শর্ট সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় পাস করেন ও 2019 সালে সেনাতে যোগ দেন। তিনি 2 বছর 10 রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে মোতায়েন ছিলেন। এরপর থেকে তাকে এক্সট্রা রেজিমেন্টাল ডিউটির জন্য ভারতীয় সেনার বিশেষ বিভাগ 145 আর্মি এয়ার ডিফেন্সের অধীন জম্মু কাশ্মীরের ডোডা সেনা ছাউনিতে বদলি করে। সেখানে ব্রিজেশ থাপা এ কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন। এই মাসেই বাড়িতে আসার কথা ছিল বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে শহীদের সেনাকর্মীর বাবা ভুবনেশ থাপা কি বলেছেন শুনুন। লাস্ট কে কব বাত হুয়া থা কে মেরা লাস্ট বাত সানডে মে হুয়া থা 9:30 বাজে সুবহ তো উস টাইম মে ও বল রাহা থা কি ও এক দিন পহলে ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बात किया, वो बोल रहे मुझे, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से, तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के ऊपर, क्योंकि उधर रोड नहीं है, वहाँ तो ऐसे जंगल के रास्ते ऊपर जाना होता है, तो उसको पार्टी लेके ऊपर जाना था। तो यही लास्ट बात हुआ था, और मतलब 14th को है? और ये 15th को नाइट को ये हुआ। कितने साल से सर्विस में है वो? 5 साल से, 5 ईयर्स है। कितने साल के थे वो? 27 ईयर्स के, 27 ईयर्स। हाँ, वो जो है वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे बच्चे थे, तो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा। आपका बेटा देश के लिए अपना दिया है, तो क्या बोलेंगे? अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि उसका इंटरेस्ट छोटे से फौज में और देश के लिए लड़ना था, तो उन्होंने अपना कभी वो ऐसा इसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, और हमेशा जो है वो जो भी काम था वो अपना ठीक ठाक करता था और जो भी बोला वो सही करता था। और ये कि जैसे छोटे से ही उसको हमने बताया भी था अगर आर्मी में नहीं जाना किसी और, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक किया हुआ है, तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं नहीं मैंने आर्मी में जाना है। तो हमेशा मेरा भी कोई आर्मी का जैसे जैकेट वगैरह है वो भी लगा के वो घूमते थे। हाँ, अच्छा, शौक था इसलिए। ऐसा आए दिन सुनने को मिलता है कि मिलिटेंट्स के हाथों हमारे देश के जवानों को शहीद होना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे इस चीज को? जैसे मिलिटेंट्स से अचानक से हमला कर रहे हैं, नहीं ये तो घुसपैठ तो होता ही है, लेकिन क्या है ये इसको क्योंकि कभी ज़्यादा मिलिटेंट्स आ जाता है और उसको ये जरूरी, मतलब हर मिलिटेंट को जंगल में दिखने पाते हैं क्योंकि जंगल बहुत वास्ट होता है और मिलिटेंट्स कहीं पर भी जा सकता है, तो इसीलिए क्या है ये चाहे कितने भी मिलिटेंट्स आ जाए बहुत मुश्किल होता है। फिर जब मैं भी फौजी हूँ, मैंने भी ऐसे मिलिटेंसी में काम किया है, वो बहुत मुश्किल होता है काम की, हर एक मिलिटेंट्स को ढूंढ पाना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए क्या ये तो कभी किस्मत का बात है कि किसी को सामने मिल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो किस्मत। आप लोगों को खबर कब मिला? ये हमको कल शाम को, रात को 10:30 बजे। ब्रिजेश को कब लेके आ रहे हैं और क्या इसके बाद का क्या प्रोसीजर है? आप लोग सोच, अभी वो सब हमारा आर्मी के तरफ से होता है, उनको वहाँ उस जगह से हेलीकॉप्टर से शायद निकाला गया वहाँ से और इवैक्यूएट करके वो जम्मू में लाया है, और जम्मू से अभी वहाँ हमारा जो एयरफोर्स के जो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है वो लेके इधर आज शाम तक ये बागडोगरा में आएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम दार्जिलिंग, मेरे जो
पेरेंटल हाउस है, एंसेस्ट्रल हाउस है, वहाँ पर उधर ही, क्योंकि वहाँ गांव वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो उधर ही हम ले जाके उधर ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपका पूरा नाम है? मैं कर्नल भुवनेश कुमार थापा, रिटायर्ड। सर जस्ट अ मिनट सर, जस्ट। दार्जिलिंग केंद्रीय सांसद राजू सिंह की बोलते चेचन सुनाबो। मैं अपने क्षेत्र की जनता और देश की जनता की ओर से शहीद मेजर ब्रिजेश थापा जी और उनके साथ वीरगति को प्राप्त अन्य सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमन है दार्जिलिंग की मातृशक्ति को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। दार्जिलिंग क्षेत्र की हमेशा से विशेषता रही है। आजादी से अब तक हमारे क्षेत्र ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय गोरखाओं के मान सपूतों में आज उनका नाम शुमार हो गया। मैं उनके पिता, जो स्वयं एक सैनिक रहे हैं, कर्नल भुवेश थापा जी और उनके परिवार को नमन करता हूँ, जिन्होंने माँ भारती को ऐसे वीर सपूत दिए। जय हिंद, जय भारत। তবে এ রাজ্যের এক যুবকের মৃত্যু যে পরিতাপের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দার্জিলিংয়ের লেবং ঘুরে দেবাশিস দাসের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আপনি কি কিডনি রোগে ভুগছেন? তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জীবন রেখাতে। এখানে বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তাররা লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রোগীদের সমস্ত ধরনের কিডনির এবং প্রোস্টেটের অপারেশন করে থাকেন। রোগী দেখছেন নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর অর্কপ্রভা চক্রবর্তী, SSKM হসপিটাল, কলকাতা, ডক্টর সুনীল কুমার, অ্যাপেলো হসপিটাল, কলকাতা, ডক্টর পিনাকি মুখার্জি, NRS হসপিটাল, কলকাতা। এছাড়াও এখানে প্রতিদিন অপারেশন করছেন ও বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন ইউরোসার্জন ডক্টর আতার কাশিম, PG হসপিটাল, কলকাতা। তাছাড়াও এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সুবিধা রয়েছে। আমাদের ঠিকানা রায়গঞ্জ, উকিলপাড়া। বিশদে জানতে কল করুন 8373066555 অথবা 8373066444 এই নম্বরে। চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌরভ বুক এন্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে BSc, WBCS, ব্যাংক, রেল, ICDS, নার্সিং, ANM এবং GNM সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা খুরিমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।